हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी ड्रीम इलेवन में रैंक वन लाकर करोड़ों की राशि बर्न करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे। जैसे कि आप कोई भी मैच में आप टीम लगाने जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि जैसे तैसे जो है प्लेयर को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि लाइनअप होता है तो लाइनअप होने के बाद यहाँ पे आप इस तरह से जैसे तैसे आप प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर जो है सबसे ज़्यादा जो कैप्टन और वीसी रहता है आप उसको बना लेते हैं। और क्या होता है कि आपका जो टीम है वो प्लेयर जो है 6-7 प्लेयर ही चल पाता है और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी चल नहीं पाता है। और कैप्टन चलता है तो वाइस कैप्टन नहीं चलता, वाइस कैप्टन चलता है तो कैप्टन नहीं चल पाता है। अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन चलता है तो बाकी सब प्लेयर में से कोई एक मिस हो जाता है। इस तरह से आप जो है ड्रीम इलेवन में रैंक वन ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो ट्रिक बताने वाला हूँ। तो पहला ट्रिक ये है कि आप जो है जिस भी प्लेयर को आप चुने हैं, आप जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जितेश शर्मा को चुने हैं, ये जो है पंजाब किंग्स से है। यहाँ पे ये देखना होगा कि दिल्ली के जितने भी गेंदबाज है, जितेश शर्मा कितनी बार आउट हुए हैं और कितनी बार आउट नहीं हुए, ये आपको देखना होगा। अगर जितेश शर्मा दिल्ली के गेंदबाज से कम बार आउट हुआ होगा तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर शेखर धवन है, तो शेखर धवन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि नहीं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है पंजाब किंग्स से है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि दिल्ली के जितने भी गेंदबाज है, शेखर धवन का दिल्ली के गेंदबाज के सामने क्या रिकॉर्ड है। जैसे कि अगर शेखर धवन जो है दिल्ली के सभी गेंदबाज से आउट हो चुके होंगे तो यहाँ पे शेखर धवन को सिलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे डेविड वार्नर को आप सिलेक्ट किए हैं, तो डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल से, तो अब यहाँ पे ये देखना होगा कि पंजाब किंग्स के जितने भी गेंदबाज है उनके सामने डेविड वार्नर आउट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये सभी डाटा आपको कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 24 मार्च 2024 को वीडियो अपलोड किए थे जिसमें कि आरसीबी के जितने भी बैट्समैन है और सीएसके के जितने भी बॉलर्स है यहाँ पे मैंने बताए थे। जैसे कि यहाँ पे विराट कोहली को देख सकते हैं, सीएसके के गेंदबाज कितने इनिंग में कितनी बार आउट किए हैं। फाफडू प्लेसी को सीएसके के गेंदबाज कितने इनिंग में कितनी बार आउट किए हैं। पतिदार को कितनी इनिंग में कितनी बार आउट किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल को सीएसके के गेंदबाज कितनी इनिंग में कितनी बार आउट किए। तो ये सभी वीडियो यहाँ पे मैं अपलोड करता था, लेकिन यहाँ पे मेरे वीडियो में काफ़ी कम लोगों के देखने के बाद मुझे लगा कि इस वीडियो में मेहनत भी कर रहे हैं और लोगों तक पहुँच भी नहीं रहा है। तो अगर ऐसी डाटा आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे अगर बैट्समैन वर्सेस बॉलर का रिकॉर्ड देख लेंगे तो आपको जो है कंफर्म पता चल जाएगा कि ये प्लेयर चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको क्या देखना होगा, दूसरी चीज़ आपको ये देखना होगा कि जितने भी प्लेयर्स है, जैसे कि जितेश शर्मा है, प्रभसिमरन सिंह है, शेखर धवन है, डेविड वार्नर है, जिस पिच पर मैच होने वाला है क्या इस पिच पे खेले हैं या नहीं खेले हैं। अगर खेले हैं तो इनका जो है सर्वाधिक स्कोर क्या था। अगर यहाँ पे मान लिया जाए विराट कोहली जो कल जिस पिच पे खेले हैं उस पिच पर जो विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर था वो लगभग 55 के नीचे था। तो यहाँ पे आप देखें कि विराट कोहली जो है कल के मैच में यानी कि 22 मार्च के मैच में अच्छे खासे पॉइंट्स नहीं दे पाए। तो ये सारी जब डाटा आप देखेंगे तो आपको ये कंफर्म पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर चल सकते हैं और नहीं चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मुस्तफिजुर रहमान को। मुस्तफिजुर रहमान इसलिए यहाँ पे कैप्टन चले क्योंकि जो है मुस्तफिजुर रहमान का आरसीबी के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है, इसीलिए जो है अच्छे विकेट लिए और इन्होंने अच्छे खासे पॉइंट बनाए और ये जो है कैप्टन चल पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुल मिलाकर बात यह है कि आपको जो है दो चीज देखना है। सबसे पहला बात यह है बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स, यानी कि कौन कौन बॉलर्स जो है किस किस बैट्समैन को आउट किया है। और यहाँ पे दूसरा चीज ये देखना है कि आपको उस प्लेयर का उस पिच पर खेले हैं या नहीं खेले हैं। अगर उस पिच पर खेले हैं तो उसका जो सर्वाधिक स्कोर है उस पिच पर कितना है। तो ये दोनों डाटा देखने के बाद जो है आप टीम बनाएंगे तो आपको जो है हाई चांस मिलेगा कि आप रैंक वन आ सकते हैं। फ्रेंड्स ये थी मेरी तरफ से छोटी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।